भी जान रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और जैसी संभावना बन रही है कि हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया जाए। साथियों, लेकिन मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण का समर्थन कर रहा हूँ। वर्तमान बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति को हमें समझना होगा। भारत के अपर कास्ट के जो लोग हैं, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, जो फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उन्होंने कभी भी अपने आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं चलाया। उन्होंने हिंदुत्व का आंदोलन चलाया और हिंदुत्व का आंदोलन चला करके एससी एसटी ओबीसी को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद वे सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने समाज के साथ 10% आरक्षण देकर के सामाजिक न्याय कर लिया। यह बात ओबीसी एससी एसटी को समझनी होगी कि वे इस देश में लगभग 80-85% हैं, तो उन्हें आखिर क्यों नहीं 85% आरक्षण मिल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को समाप्त कर देता है तो कहीं ना कहीं यह भाजपा के इशारे पर ही समाप्त होगा, क्योंकि आज भाजपा खुद चाहती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त हो जाए। लगातार ओबीसी आरक्षण की मांग ओबीसी समाज के द्वारा हो रही है और ओबीसी समाज 50-60% इस देश में है और वह मांग कर रहा है कि उसे 50-60% आरक्षण दिया जाए। और इसी आंदोलन को बंद करवाने के लिए, इस ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने की मांग पर पूर्ण विराम लगाने के लिए भाजपा सरकार खुद चाहती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समाप्त हो जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण को समाप्त करता है तो भाजपा यह संदेश देने में सफल हो जाएगी कि देखिए, बहुजन मूल निवासी के लोग, एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने मिलकर के सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो अपर कास्ट का आरक्षण भाजपा के द्वारा दिया गया था अपर कास्ट के लोगों के लिए, उसको समाप्त करवा दिया। अपर कास्ट के लोग एससी एसटी ओबीसी से दुखी हो जाएंगे और एससी एसटी ओबीसी के लोग खुश हो जाएंगे कि ईडब्ल्यूएस समाप्त हो गया। साथियों, जिस तरीके से भाजपा, जो कि अपर कास्ट की पार्टी है, उसने हिंदुत्व के नाम पर एससी एसटी ओबीसी को गुमराह किया और गुमराह करके खुद सत्ता में आ गए और सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने समाज के साथ 10% आरक्षण देकर के सामाजिक न्याय कर दिया, क्या भारतवर्ष का एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज, जो कि इस देश में लगभग 85% है, क्या वह खुद इकट्ठा होकर के दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं बना सकता और सत्ता बना करके अपने समाज के साथ सामाजिक न्याय नहीं कर सकता? क्या वह अपना 85% जो आरक्षण है नहीं ले सकता और ले करके क्या अपने समाज के लोगों का आर्थिक और सामाजिक उद्धार नहीं कर सकता? साथियों, मैं चाहता हूं कि यह 10% जो आरक्षण अपर कास्ट को मिला हुआ है ईडब्ल्यूएस के नाम पर, वह जारी रहे और जब यह 10% आरक्षण अपर कास्ट के लोगों के लिए जारी रहेगा, इससे हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को सबक मिलेगी और ये खुद समझेंगे कि जब अपर कास्ट अपना हिस्सा ले सकता है तो ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी समाज भी इकट्ठा होकर के वह भी अपना हिस्सा ले सकता है। साथियों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह सामाजिक न्याय इस देश में स्थापित होने के लिए, यह जो अपर कास्ट का ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% आरक्षण मिला हुआ है, वह जारी रहे और उससे ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी के समाज के लोग सबक लें और वे इकट्ठा हो जाएं और सामाजिक न्याय की राजनीति को करें और सामाजिक न्याय पाने के लिए अपनी सरकार बनाए दिल्ली में और वहां से अपने समाज के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करें। धन्यवाद।